आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने महाशिवरात्रि के पर्व पर दी देशवासियों को शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी, यूक्रेन संकट सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए गंगा ऑपरेशन जारी, सातवीं फ्लाइट पहुंची मुंबई, आज भी दिल्ली के लिए हुई रवाना। यूक्रेन में बदतर होते हालात पर भारत ने जताई चिंता, कहा वार्ता से हल हो सकते हैं मसले। यूक्रेन से बाहर भेजे गए 1400 से अधिक छात्र, कीव स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के बेटे फराज तक पहुंची जांच की आंच, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। से आने वाले भारतीयों को कोरोना प्रोटोकॉल में राहत, आरटीपीसीआर या वैक्सीन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य नहीं। पंजाब के बाद तेलंगाना में क्षेत्र के नाम पर बयानबाजी, कांग्रेस प्रमुख बोले केसीआर का डीएनए बिहारी। भारतीय छात्रों को सलाह, यूक्रेन सीमा पर सीधे न जाएं, विदेश मंत्रालय की सलाह, कहां संयम बरते छात्र, आक्रामक रवैया न अपनाएं। प्लास्टिक प्रदूषण रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे विश्व के नेता, यूएनईए ने अहम भूमिका निभाएगा भारत। बिहारी डीएनए पर कांग्रेस की आपत्ति, तेलंगाना सीएम का नाम लेकर चन्नी से एक कदम आगे निकले अध्यक्ष। दिल्ली में आबकारी नीति के विरोध में भाजपा शुरू करेगी जनमत अभियान, 10 लाख लोगों से मांगेंगे सुझाव। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियां पूरी, महिला दिवस पर आएगा राज्य का बजट। यूक्रेन में हिमाचल के 317 विद्यार्थी फंसे, 218 ने हेल्पलाइन पर करवाया पंजीकरण, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। फारूक अब्दुल्ला बोले पीएजीडी द्वारा जारी श्वेत पत्र से परिसीमन की प्रक्रिया तक सीमित नहीं, प्रदेश में हालात बिगड़े। होली से पहले भारतीय रेलवे ने दी बड़ी राहत, फिर दौड़ेंगी जनता एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें। शिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया महादेव का रुद्राभिषेक, विश्व कल्याण की कामना। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ को बताया देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। लखनऊ
के ईवीएम स्ट्रांग रूम में सरकारी गाड़ी के प्रवेश पर भड़के अखिलेश, बोले तब तक गिनवाई नहीं तब तक खिलाई नहीं। यूक्रेन से निकलकर बुडापेस्ट पहुंचे मेरठ से इजहार और अमन, बोले हंगरी पुलिस ने की सहायता। गंगा नदी को प्रदूषित करने वाली टेनरी पर 3 लाख का जुर्माना, मालिक को दी हुई 2 साल की सजा। बरेली में शाजापुर के ट्रैवल एजेंसी के मालिक को बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूटा। बाराबंकी में मतदान प्रतिशत से राजनीतिक दलों में उत्साह बढ़ा, लेकिन गुटबाजी के माथे पर चिंता की लकीर। काशी में महाशिवरात्रि पर पंचक्रोशी यात्रा, आस्था के रंग से सराबोर हुआ परिक्रमा पथ। यूपी चुनाव 2022 में 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो और जनसभा का आयोजन। बढ़ाए 70% तक मतदान, खत्म होगी नकारात्मक राजनीति, प्रभुजनों ने संवाद में बोले धर्मेंद्र धाम। जहरीली शराब कांड में फरार 50,000 का इनामी, पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। वाराणसी में परिवहन विभाग वाहन स्वामियों के खिलाफ दर्ज कराएगा मुकदमा। बाबा दरबार में सुबह से आस्था की कतार, हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजी काशी। अलीगढ़ में पानी के लाइन में गंदा पानी आने से बड़ी बीमारी, कांग्रेस नेता ने नगर निगम को दिया अल्टीमेटम। अलीगढ़ में गैस एजेंसी संचालक की लापरवाही आई सामने, सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, हादसे में एक व्यक्ति झुलसा। अलीगढ़ में 2 दिन से लापता व्यक्ति का मिला शव, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अंबेडकर नगर में महंगाई को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, डबल इंजन की सरकार में महंगाई डबल हुई। अंबेडकर नगर में केशव प्रसाद मौर्य ने की जनसभा, कमल का बटन दबाने का होगा विकास। औरैया में भीषण सड़क हादसा देखने के लिए मिला, जहां ट्रक ने एक डीसीएम में मारी टक्कर। बस्ती में कर्जे अमित शाह, योगी ने माफियाओं को चुन चुन कर समाप्त किया है। फरीदाबाद में कारखाने में बॉयलर फटने से धमाका, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, आर्म्स एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को मिली जमानत। गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का सपा पर हमला, समाजवादी पार्टी में हार की बौखलाहट है।
रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार की टक्कर में अधेड़ की मौत। युवक की हत्या का खुलासा, तीन आरोपी युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, अचानक कच्चा मकान गिरने से मचा हड़कंप, मकान के मलबे में छह बकरियां दबी। कानपुर देहात कस्बे में एक सप्ताह में चोरों ने तीन घरों में बोला थावा, एक के बाद एक चोरी की घटनाओं से आम आदमी रोष में, हजारों रुपए की नकदी पर चोरों ने किया हादसा। लखीमपुर में बैंक कर्मचारियों ने बनाया किसान पर दबाव, कर्ज जमा करने को लेकर बनाया दबाव, दबाव में आकर हुई किसान की मौत। फतेहपुर देवमई विकासखंड में विशाल रुद्र महाप्याग, दुमन घाट में लिया मां गंगा का पवित्र जल। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हुई तय, 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे कपाट। डोईवाला में सड़क हादसे में युवती समेत दो की मौत, तीन व्यक्ति घायल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगी नई शिक्षा नीति। नवविवाहिता की मौत का उत्तराखंड महिला आयोग ने लिया संज्ञान, एसएसपी को कठोर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। भीमताल में आदि के अलावा शिव महोत्सव शुरू, महिलाओं ने शिव पार्वती कुंड तक निकाली कलश यात्रा। भगवान शिव के ससुराल कनकखाल में महाशिवरात्रि की धूम, दशेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े श्रद्धालु। उत्तराखंड में हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। पुलिस वाले प्रतिबंधक कर रहे वसूली, ओवरलोडिंग खेल का पर्दाफाश, 5 पुलिसकर्मियों पर केस। उत्तराखंड में मतगणना के लिए तैयारियों में जुटी भाजपा सरकार, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सकुशल वापसी को प्रयासरत है सरकार, मुख्यमंत्री धामी ने दिया ये बयान। खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे बेटे की वतन वापसी को लेकर यूक्रेनी दूतावास पहुंचे पिता, लगाई गुहार। उत्तराखंड से हटाए गए कोविड के सारे प्रतिबंध, पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्विमिंग पूल। महाशिवरात्रि पर द्रोण नगरी के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, गूंजे बम बम भोले के जयकारे। हल्द्वानी बार एसोसिएशन चुनाव 2022, योगेंद्र सिंह चुफाल चुने गए अध्यक्ष, विनीत फिर बने सचिव। हरीश रावत खुद पलायन कर गए, वह क्या रोकेंगे पहाड़ से पलायन, विधायक फतरलायन ने दिया ये बयान।
तरह बढ़ रहा रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। अमेरिका के प्रतिबंधों पर बौखलाए पुतिन का पलटवार, यूएस और सहयोगियों पर की गई ये कार्रवाई। पांचवें दिन रूसी मिसाइलें परमाणु हमले को तैयार, जवाब में अमेरिका ने एचवी यूनिट को किया अलर्ट। यूक्रेन रूस तनाव के बीच अमेरिका ने बेलारूस में बंद किया दूतावास, अपने राजनयिकों को दिए रूस छोड़ने के निर्देश। यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर रूस का बड़ा अटैक, मारे गए 70 से ज्यादा सैनिक। हांगकांग में कोविड से हाहाकार, शव रखने के लिए कम पड़ी जगह, लग सकता है लॉकडाउन। उसके बजाय यूक्रेन से बोले पाक मंत्री, पीछे करो अपनी सेना, बातचीत से खत्म करो जंग। रूस की धमकी, यूक्रेन को दिए हथियार, इस्तेमाल हुए तो भेजने वाला देश जिम्मेदार होगा। यूक्रेन का दावा, रूस ने 710 किलो वजन वाले वैक्यूम बॉम्ब से किया हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी का इमोशनल मैसेज, फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्का ने जनता को सराहा, कहा फक्र है अपने लोगों के बीच हूं। अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से दिया इस्तीफा, कहा मुझे कंपनी छोड़ने के लिए किया जा रहा है मजबूर। अप्रैल से लागू होगा नया ई इनवॉइस सिस्टम, 1.80 लाख कंपनियों पर असर। सरकार ने जारी किए आंकड़े, तीसरी तिमाही में 5.4% रही जीडीपी ग्रोथ। माधवीपुरी पूछ बनी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन, लेंगी अजय त्यागी की जगह। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया जल्द फाइल करेगी आरएचवी पब्लिक से, एफपीओ के जरिए जुटाएगी 4300 करोड़ रुपए। अप्रैल जनवरी में देश का राजकोषीय घाटा बढ़कर एफआई 22 के टारगेट का 98.9% हुआ। होगा महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर बड़ी कीमत। में कोरोना के बावजूद बड़ी घरों की मांग, कई शहरों में कीमत 7% तक बढ़ी। में जबरदस्त उछाल, सभी बड़े काइन 10% से ज्यादा भागे। मार्च में लॉन्च होगा हीरो का ई स्कूटर, कंपनी ने तैयार किया अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला टीवीएस और बजाज से सीधा मुकाबला। मार्च को वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान के इस गेंदबाज से रहना होगा सावधान। गुजरात टाइटंस को लगा झटका, जेएन राय ने अपना नाम टूर्नामेंट से पहले।
लिया वापस। विक्टर नोएल डेविड की मदद के लिए सामने आए मोहम्मद अजरुद्दीन एचसी ने उठाएगा इलाज का खर्च। वार्म-अप मैच से पहले खुशखबरी, सर पर चोट लगने के बाद विस्फोटक ओपनर स्मृति मंधाना वापसी के लिए तैयार। पंजाब किंग्स ने की अपने नए कप्तान की घोषणा, मयंक अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। पूर्व कोच ने रवि शास्त्री ने भारतीय विकेटकीपर के साथ हुए पत्रकार विवाद पर दी ऐसी प्रतिक्रिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का ट्रोलर्स को जवाब, ट्रोल करने वाले ना तो फैंस और ना ही भारतीय। हार्दिक पांड्या ने शुरू की आईपीएल की तैयारी, कोच नेहरा ने भी पहुंचे सबसे बड़े मैदान पर लगेगा ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तान गए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के परिवार को धमकी, जिंदा नहीं लौट पाएंगे, पीसीबी का आया बड़ा बयान। रवि शास्त्री का बड़ा बयान, कहा अब खिलाड़ियों के लिए दोस्त बने रहना मुश्किल। सारा अली खान ने शेयर की नमस्ते दर्शकों सीरीज की नई वीडियो, पहाड़ों तक समुद्र तक दिखाई भारत की खूबसूरती। कुणाल खेमू ने परिवार के साथ मिलकर की महाशिवरात्रि की खास पूजा, पत्नी सोहा अली खान का रिएक्शन हो रहा वायरल। कंगना रनौत ने लगाया स्वामी चक्रपाणि का गोमूत्र की पार्टी करने का आरोप, बाबा पर दर्शक बोले आप कंट्रोवर्सी क्रिएटर। सलमान खान की मैंने प्यार किया की हीरोइन भाग्यश्री ने फिर रचाई शादी, बया किया अपना दर। राखी सावंत के एक्स पति रितेश ने सरेआम उन्हें दी धमकी, एक्ट्रेस की तस्वीर शेयर कर लिखा मेरे सामने मत आना पड़ना। काचा बादाम फेम भुवन बाधाई कर का हुआ एक्सीडेंट, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुआ एक्सीडेंट। महाशिवरात्रि में प्रभास के फैंस को बड़ा तोहफा, आदि पुरुष की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। महाशिवरात्रि पर चिरंजीव का फिल्म भोला शंकर से जारी हुआ फर्स्ट लुक, डैशिंग अंदाज में नजर आए एक्टर। कंगना रनौत पर आलिया भट्ट का नाम इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, सुनकर भड़क गई एक्ट्रेस। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग पर एकता कपूर बोली मेरी चमड़ी मोटी हो गई है अब कोई असर नहीं पड़ता। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।